तो आज हमने क्या स्टार्ट करना है, आज हमने एप्लीकेशन ऑफ सेंटीपेटल फोर्स जो है उनको पढ़ना है। तो एप्लीकेशन ऑफ सेंटीपेटल फोर्स को पढ़ाने से पहले मैं आपसे कहूँगा कि आप सेंटीपेटल फोर्स की वीडियो को लाजमी देखेगा, मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी दूंगा, क्योंकि सेंट्रीपिटल फोर्स के बारे में हमने आपको बताया था, द फोर्स विच कीप्स द बॉडी टू मूव इन अ सर्कल, यानी वो फोर्स जो किसी भी बॉडी को सर्कल के अंदर घुमाती है, दायरे के अंदर घुमाती है, उसको हमने कहा था कि वो सेंट्रीपिटल फोर्स होती है। तो सेंट्रीपिटल फोर्स को समझना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप सेंट्रीपिटल फोर्स की वीडियो को लाजमी देखिएगा, ताकि जो हम आज उसकी एप्लीकेशन पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें बैंकिंग ऑफ रोड है, वॉशिंग मशीन और क्रीम सेपरेटर जो हमारे पास हैं, तो इनके बारे में पढ़ने से पहले सेंट्रीपेटल फोर्स की वीडियो को देखना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। और इसके साथ साथ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वीडियो को भी लाजमी देखेगा, मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी दूंगा। ये दोनों वीडियोस अगर आप ध्यान से अच्छी तरह से समझ लो तो आपको बैंकिंग ऑफ रोड, वॉशिंग मशीन ड्रायर और क्रीम सेपरेटर कभी भी मुश्किल नहीं लगेंगे, आपको ये बहुत ही आसान लगने वाले हैं, इन्हीं आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएंगे। तो अक्सर आपने देखा होगा जब एक कार किसी दायरानुमा रास्ता जो है उस पर हरकत करती है, मूव करती है, जब कार जो है वो टर्न लेती है, तो टर्न लेते हुए आपने देखा होगा कि या तो हम रोड के ऊपर वाली साइड से थोड़ा हो जाते हैं या बिल्कुल नीचे को आ जाते हैं। अब जो कार टर्न लेती है तो कार और रोड जो है, कार के यानी टायर और रोड के दरमियान फ्रिक्शनल फोर्स होती है जो कि सेंटीपेटल फोर्स फ्राहम करती है, यानी जो सड़क पे टायर और रोड के दरमियान फ्रिक्शनल फोर्स होगी वो फ्राहम करेगी सेंट्रीपेटल फोर्स। अब देखिए यहाँ पे मैं आपको दिखा भी रहा हूँ, एक गाड़ी है मेरे पास, तो इसमें ज़रा मैं इसको आपको बता भी देता हूँ कि जैसे ये सड़क है तो इस पर गाड़ी ने टर्न लेना है, ऐसे करके गाड़ी ने टर्न लेना है। तो जब गाड़ी ऐसे करके टर्न लेगी तो अगर इस कार के टायर और रोड के दरमियान सुफिशेंट सेंटीपेटल फोर्स होगी तो ये कार टर्न ले जाएगी, लेकिन अगर ये रोड गीला होगा तो जितनी फ्रिक्शनल फोर्स चाहिए थी वो हमारे लिए इस गाड़ी को टर्न करवाने के लिए जितनी फ्रिक्शनल फोर्स चाहिए थी वो नाकाफी होगी, वो सुफिशेंट नहीं होगी। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, फिर इसके लिए हम बैंकिंग ऑफ रोड जो है इसको बनाते हैं, यानी बैंकिंग ऑफ रोड का मतलब है कि सड़क का एक किनारा थोड़ा ऊंचा रखा जाता है, जैसे यहाँ पे मैंने दिखाया है कि सड़क का एक किनारा थोड़ा ऊंचा रखा है और दूसरा किनारा उसका थोड़ा नीचाई को है, यानी सड़क का एक किनारा ऊंचा रखना ही बैंकिंग ऑफ रोड कहलाता है, क्योंकि बैंकिंग ऑफ रोड का मतलब ही ये होता है द आउटर एज ऑफ द रोड जो होगा उसका हमने थोड़ा रेज करना है, उसको थोड़ा ऊपर उठा के रखना है, तो जिससे गाड़ी को फिसलने से रोकने के लिए दायरानुमा सड़क के बैरूनी किनारे को ऊंचा करना ही हमारे लिए नेसेसरी सेंटीपेटल फोर्स फ्राहम कर देगा, जिसकी वजह से गाड़ी जो है वो कल्टी नहीं खाएगी। अब गाड़ी में देखिएगा यहाँ पे एक इसका वेट है जो को डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है और रिएक्शन फोर्स जो है वो इन द अपवर्ड डायरेक्शन में है, और ये इसका आर जो है वो रेडियस ऑफ सर्कुलर ट्रैक है, यानी आर इसका क्या है, रेडियस ऑफ सर्कुलर ट्रैक का जो रेडियस है वो है। अब एक जो है इसमें ये चीज़ देखने वाली है कि आउटर एज ऑफ द कर्व रोड इज एलिवेटेड टू द प्रीवेंट स्किडिंग, यानी गाड़ी को फिसलने से रोकने के लिए ही दायरानुमा सड़क के बरूनी किनारे को क्या किया जाता है, थोड़ा ऊंचा करके रखा जाता है, और इसीलिए हम एलिवेटेड जो है इसको मतलब एक किनारे को थोड़ा ऊपर करके रखते हैं ताकि नेसेसरी सेंटीपेटल फोर्स फ्राहम हो जाए और गाड़ी आसानी से टर्न ले जाए। अगर हम बैंकिंग ऑफ रोड्स ना बनाएं, यानी सड़कों का एक किनारा थोड़ा ऊंचा और दूसरा थोड़ा नीचाई को ना बनाएं तो इसका क्या होगा, तो इसका ये होगा कि गाड़ी को जो गाड़ी के टायर और रोड के दरमियान फ्रिक्शनल फोर्स जो कि सेंटीपेटल फोर्स फ्राहम करती है तो वो सुफिशेंट नहीं होगी, वो हमारे लिए नाकाफी होगी, जिसकी वजह से गाड़ी कल्टी खा जाएगी, यानी गाड़ी उल्ट जाएगी। तो इसी मसले को हल करने के लिए ही हम बैंकिंग ऑफ रोड बनाते हैं, जिसकी वजह से गाड़ी यानी कि जब टर्न लेती है तो गाड़ी आसानी के साथ ऐसे टर्न ले जाएगी, गाड़ी
आसानी के साथ टर्न ले जाएगी और गाड़ी को नेसेसरी सेंडिबल फोर्स जितनी चाहिए होगी वो फ्राहम हो जाएगी, जिस वजह से गाड़ी टर्न ले जाएगी और हमारी गाड़ी जो है वो कल्टी खाने से बच जाएगी, क्योंकि हमने सेंटीपेटल फोर्स का फार्मूला भी पढ़ा था, एफ सी इज इक्वल टू एम वी स्केयर बाय आर। तो जिसकी वजह से हम कह रहे हैं कि यहाँ पे हमारे पास नेसेसरी सेंटीपेटल फोर्स जो है वो फ्राहम हो जाती है। अब बैंकिंग काजेज आर कंपोनेंट ऑफ व्हीकल्स वेयर टू प्रोवाइड द नेसेसरी सेंटीपेटल फोर्स वाइल टेकिंग अ टर्न, दस बैंकिंग ऑफ रोड प्रिवेंट स्किडिंग ऑफ व्हीकल एंड दस मेक्स द ड्राइवर सेफ, ड्राइविंग सेफ हमारे लिए बना देगी, यानी गाड़ी आसानी के साथ टर्न ले जाएगी। तो बेसिकली बैंकिंग ऑफ रोड का मतलब यही होता है कि सड़कों का एक किनारा थोड़ा हमने ऊंचा रखना होता है ताकि गाड़ी को फिसलने से रोका जा सके और इस तरह से नेसेसरी सेंटीपेटल फोर्स जो है वो फ्राहम हो जाती है। अब वॉशिंग मशीन ड्रायर को डिस्कस करने से पहले मैं आपको वॉशिंग मशीन ड्रायर दिखाना चाहता हूँ कि वॉशिंग मशीन ड्रायर जो है वो किस तरह से वर्क करती है। तो उसको सबसे पहले मैं आपको एनिमेशन के तौर पर यहाँ पे वीडियो दिखाएंगे और उसके बाद यानी ओरिजिनल में वॉशिंग मशीन कैसे काम कर रही है वो हम आपको दिखाते हैं, उसके बाद मज़ीद इसको एक्सप्लेन करेंगे। तो यहाँ पे देखिएगा ये वॉशिंग मशीन जो है इसका ड्रायर घूमने वाली ये टोकरी है, ये वॉशिंग मशीन का ड्रायर जो है ये घूमने वाली टोकरी पर मुश्तमिल है, ये इसको देख लें, ये टोकरी है और इसके अंदर क्या है, ये टोकरी सिलेंड्रिकल शक्ल में है, ये नहीं देखें ये हमारे पास क्या है, ये एक सिलेंड्रिकल शक्ल में हमारे पास टोकरी है और इनकी दीवारों पे बहुत ज़्यादा सुराख हैं, ये देखें यहाँ पे ये सुराख सारे आपको नज़र आ रहे होंगे, अगर मैं इसको कैमरे से इसी तरह से, हाँ जी ये आप देखें ये सुराख सारे आपको यहाँ पर नज़र आ रहे हैं, तो ये सुराख है। उसके बाद इसके अंदर हम क्या करेंगे, इसके अंदर हम गीले कपड़े रखकर सिलेंडर की शक्ल के रूटर का ढकना, ये वाला ऊपर वाला ये ढकना हम बंद कर देते हैं, यानी ये सिलेंडर की शक्ल का रूटर है ये सारा हमारे पास, इसका ढकना हम क्या कर देंगे, बंद कर देंगे। जब इसको बंद करेंगे तो ये जब ये तेज़ स्पीड से घूमता है, यानी ये रूटर जो है इसके अंदर ये जब तेज़ स्पीड के साथ घूमेगा, कैसे घूमेगा ज़रा इसको भी मैं आपको दिखाता हूँ करके ये कैसे घूमता है। तो आप देखिएगा इसको मैं घुमा के दिखाता हूँ कि कैसे इसके अंदर वर्क हो रहा होता है, यानी गीले कपड़े जब इसके अंदर हम रख देंगे तो उसके बाद क्या तरीकाकार ये कैसे एक वर्क करता है। तो इसके बाद हम क्या करते हैं, गीले कपड़े इसके अंदर रखने के बाद तो ये लेड है, ये ढकना है जिसके इसको हम ऊपर ऐसे करके इसको हम रख के ऊपर से हम बंद कर देते हैं, ये इस तरह से ये सारा जो है हमारे पास ये बंद हो जाता है। इस तरह से बंद होने के बाद इसको अब मैं चला के दिखाता हूँ आपको, ज़रा देखिएगा तो ये ऐसे घूमने लग जाता है, देखिए कितनी स्पीड के साथ घूम रहा है ये सारा, ये चक्कर देखिए कितनी सिलेंडर इसका कितनी तेज़ी के साथ घूम रहा है। तो जब ये तेज़ी के साथ घूमता है तो गीले कपड़े जो हमने इसके अंदर रखे हुए हैं, तो गीले कपड़े जो हमने इसके अंदर रखे हैं तो वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से क्या होंगे, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से गीले कपड़ों का जो पानी होगा वो जो मैंने आपको सुराख इसके दिखाए थे, तो अब मजीद मैं बंद करके इसको दिखाता भी हूँ, तो वो सुराख क्या होंगे, वो सुराखों में से पानी जो होगा वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से क्या होगा, बाहर निकल जाएगा, क्योंकि सेंट्रीपेटल फोर्स जो है यहाँ पे कम हो जाएगी, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बढ़ जाएगी, तो जिसकी वजह से सुराखों में से पानी जो है वो बाहर चला जाएगा, वो पानी इसके पीछे एक पाइप लगा होता है तो उस पाइप के थ्रू क्या निकल जाएगा, वो पानी बाहर निकल जाता है। यानी जब यहाँ पे हमने कपड़े रखे हैं तो ये वाले सुराख जो हैं जब ये ऐसे करके तेज़ी के साथ घूमते हैं तो इन सुराखों में से पानी क्या चला जाता है, पानी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, यानी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स वो फोर्स होती है जो सेंट्रीपेटल फोर्स का रिएक्शन होती है, यानी जो इस इन पानी के कतरों को क्या करेगी, बाहर की तरफ खींचेगी, कपड़े यहाँ पर रह जाएंगे, पानी इसमें से जो है वो बाहर निकल जाएगा और इस तरह से पानी जो है वो इधर बाहर इसके एक पाइप लगा होता है बैक साइड पे, वहाँ से हम पानी क्या करते हैं इसमें से निकाल लेते हैं, यानी इस तरह से कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ज़्यादा हो जाती है, सेंट्रीपेटल फोर्स कम हो जाती है, तो जिस वजह से कपड़े जो है हमारे वो खुश्क हो जाते हैं। तो जैसे मैंने आपको अभी वॉशिंग मशीन ड्रायर जो है इसको बकायदा चला के आपको दिखाया कि किस तरह से ये काम करती है, तो यही सुराख है जिनमें से पानी बाहर जाता है, इन सुराखों में से पानी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से बाहर चला जाता है, क्योंकि कपड़े इसके अंदर हमने रखे होते हैं, कपड़े गीले होते हैं तो वो पानी उनमें से बाहर जाएगा और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से, क्योंकि सेंट्रीपेटल फोर्स कम हो जाती है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ज़्यादा हो जाती है, इसलिए पानी इस सुराखों में से क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा और कपड़े जो इसके अंदर हमने रखे होते हैं वो खुश्क हो जाते हैं। और ये रूटर है इसका सारा, मैंने इसका अंदर वाला पार्ट जो दिखा दिया और मज़ीद मैंने वीडियो में भी आपको क्लियर किया है, तो उम्मीद है आपको बड़ी अच्छी तरह से वॉशिंग मशीन ड्रायर की जो है वो समझ आई होगी। तो अब हम बयान करते हैं क्रीम सेपरेटर को कि क्रीम सेपरेटर कैसे काम करता है और क्या है। तो क्रीम सेपरेटर में क्या है कि मोस्ट मॉडर्न प्लांट्स यूज अ सेपरेटर टू कंट्रोल द फैट कंटेंट ऑफ वेरियस प्रोडक्ट, यानी बहुत से जदीद प्लांट जो होते हैं गजाई एशिया में चिकनाई के अज्जा की मकदार जो है इसको कंट्रोल करने के लिए जो है
वो क्रीम सेपरेटर जो है सेपरेटर का इस्तेमाल करते हैं। एक सेपरेटर जो होता है वो तेज़ी से घूमने वाली जो है एक तेज़ी से घूमने वाली मशीन है। इसके काम करने का असूल जो है वो वही है जो सेंट्रीफ्यूज मशीन का होता है, यानी जैसे सेंट्रीफ्यूज मशीन काम करती है वैसे ही इसने काम करना होता है। इसमें क्या है कि एक बड़ा सा प्याला होता है जिसमें दूध डालकर तेज से उसको घुमाया जाता है, जिसके बाद दूध के बारीक जज़ा बाहर की तरफ और हल्के जज़ा अंदर की तरफ यानी एक्सिस की तरफ चले जाते हैं। दूध के दूसरे जज़ा के मुकाबले मक्खन या क्रीम हल्के होते हैं, इसलिए मक्खन के बगैर दूध जो होगा प्याले की बरूनी दीवार से बाहर निकाल लिया जाता है, जबकि हल्के जज़ा जो होते हैं लाइटर पार्टिकल जो होते हैं वो क्रीम मरकजी एक्सिस की तरफ निकल जाते हैं, जहाँ इन्हें एक पाइप के जरिए हम बाहर जो है वो निकाल लेते हैं। तो ये क्रीम सेपरेटर का मैं आपको बता रहा था, तो ये क्रीम सेपरेटर होता है। यानी क्रीम सेपरेटर में क्या है कि इसके अंदर ये बाउल है जिसको प्याला मैंने बोला, तो इस प्याले के अंदर हम क्या कर डाल देंगे सारा, हमने क्रीम जब अलग करनी है तो अब क्या होगा कि इसमें से जो बारी ज़र्रात होंगे वो क्या होंगे, वो एक पाइप में से यानी आउटवर्ड जाएंगे और हल्के पार्टिकल जो होंगे यानी क्रीम जो है वो क्या होगी, वो एक्सिस के साथ जुड़ जाएगी और इस तरह से उस क्रीम को भी इस पाइप के जरिए जो है हम बाहर निकाल लेते हैं। यानी इसका जो काम है वो इसी तरह से है जैसे कि हम कह सकते हैं कि सेंट्रीफ्यूज मशीन का होता है, वैसे ही इसका काम होता है। यानी जो सेंट्रीफ्यूज मशीन जिस असूल पे काम करती है उसी असूल पे ये काम करती है। अब दूध इसके अंदर डालकर उसको हम क्या करना है, दूध इसके अंदर डाल के उसको हमने तेज़ी के साथ घुमाना है। जब तेज़ी के साथ घुमाएंगे तो इसके वजह से हैवियर कंटेंट पार्टिकल जो होंगे यानी हैवी पार्टिकल जो हैं वो क्या होंगे, वो आउटवर्ड जाएंगे और उसको हम एक पाइप के जरिए बाहर निकाल सकते हैं, और जो हल्के पार्टिकल जैसे क्रीम है और उसको क्या करेंगे, उसको वो एक्सिस के साथ जुड़ जाएगी सेंट्रीपेटल फोर्स की वजह से। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से भारी ज़रात आउटवर्ड जाएंगे और सेंट्रीपेटल फोर्स की वजह से लाइटर पार्टिकल जो वो एक्सिस के साथ जुड़ जाएंगे। अब दोनों में क्या है कि सेंट्रीफ्यूगल के तौर पर जो हैवियर पार्टिकल थे उनको भी पाइप के जरिए हम बाहर निकाल सकते हैं, और इस तरह से जो लाइटर पार्टिकल जैसे क्रीम है उसको भी हम जो के सेंट्रीपेटल फोर्स की वजह से अपने एक्सिस के साथ जुड़ गए थे उनको भी हम उस क्रीम को भी हम इस पाइप के जरिए क्या कर सकते हैं, एक पाइप के जरिए उसको भी बाहर निकाल सकते हैं। इस तरह से हमने आज एप्लीकेशन ऑफ सेंट्रीपेटल फोर्स जो है वो हमने स्टडी किए हैं, जिसमें बैंकिंग ऑफ रोड्स हमने स्टडी किया कि कैसे जो सड़कों के किनारे एक किनारा जो है उसको थोड़ा ऊपर को रखा जाता है, दूसरा किनारा थोड़ा नीचे को रखा जाता है, तो सड़कों के बिरूनी किनारे जो ऊपर रखने का मकसद क्या है ये हमने आपको बताया। और उसके बाद वॉशिंग मशीन ड्रायर जो है वो किस असूल पे काम करती, कैसे इसकी वर्किंग है, इसको आपको बाकायदा दिखाया भी हमने। और उसके बाद हमने क्रीम सेपरेटर के बारे में बताया कि क्रीम सेपरेटर जो है जैसे हम क्रीम को अलग करते हैं तो ये क्या तरीका कर, इसका क्या प्रोसीजर है, इसका भी हमने आपको बताया। तो उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो अगर आप फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद है तो मेरी वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और कमेंट्स दें। तो मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट सेक्शन में, तब तक अल्लाह हाफिज़।